वो दिन गए जब हम टाइम पास के लिए सीरीज को देखते थे। सीरीज के कंटेंट में अगर दम हो, फ्रेश हो, यूनिक हो, फिर चाहे वो इंग्लिश में क्यों ना हो, हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसे समझने के लिए। आज की टॉप 5 वेब सीरीज के अंदर इतनी ताकत है, आपका नजरिया बदल के रख देगी वेब सीरीज को देखने की तरफ। शायद इसके बाद आप कभी कोई टाइम पास के लिए वेब सीरीज ना देखो। हर सीरीज को 1 से 1.5 मिनट में अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से समझेंगे, क्या वो आपके टाइप की है या नहीं। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट से अपने लाइफ को अपडेटेड रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 3। सबसे डिफिकल्ट जॉनरा जिसमें हटके और नया यूनिक कंटेंट लाना मुश्किल हो जाता है, वो है ज़ॉम्बी सर्वाइवल का। अगर आप द वॉकिंग डेड जैसी वेब सीरीज के फैन हैं और ज़ॉम्बीज के ऊपर कुछ हटके और शॉर्ट एंड स्वीट वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपके लिए 2019 की ब्लैक समर। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव सुनने के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला पॉजिटिव है इसकी वीडियो गेम वाली सिनेमेटोग्राफी। जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं ज़ॉम्बीज के ऊपर, ठीक उसी तरह ब्लैक समर के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज के चेस सीक्वेंस, एक्शन सीन्स और क्लाइमैक्स शूट किया गया है। कुछ मूवमेंट में तो सीरीज इतनी रियल हो जाती है, आपको लगने लगेगा कि आप देख नहीं जी रहे हो सीरीज को। लेकिन इसी पॉइंट पर नेगेटिव भी है, हर एपिसोड में एक पार्ट है, एक मोमेंट है बस वैसा। बाकी के पार्ट में बहुत ही पुअर कैरेक्टर बिल्डअप किया है। अब वो लंबे लंबे शॉट्स है, वो एडिटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ एक्टर्स की थोड़ी बहुत अनरियलिस्टिक एक्टिंग। लेकिन जो फ्रेश और यूनिक टाइप की आइडियाज यूज की गई है, जैसे वो गैराज बेसमेंट का चेस सीक्वेंस और फिर एंड का वो 20 मिनट्स का छोटा सा एपिसोड, ओ भाई साहब, मतलब अंत भला तो सब भला। अगर आप डाई हार्ड ज़ॉम्बीज के फैन है तो इसके फ्रेश और यूनिक स्टाइल ऑफ सीन्स के आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन बस कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ आप इसे देख सकते हैं। टोटल 1 सीजन 8 एपिसोड्स 30 से 40 मिनट्स ईच ब्लैक समर आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नॉर्वे दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है, ये शायद आपको पता होगा। लेकिन जो आपको नहीं पता वो है इनकी इमेजिनेशन और किस तरह से ये कंटेंट को देखते हैं। आंखों को सुकून देने वाले विजुअल्स, 2020 की फैंटेसी ड्रामा रैग्नारोक। सीरीज के 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला तो इसकी ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी। जब कंट्री ही इतनी खूबसूरत है, जैसे धरती का जन्नत भी कहा जाता है, तो कहीं भी कैमरा घुमा लो आपको ब्यूटी नजर आएगी। और इसके साथ जिस तरह की स्टोरी टेलिंग की है, मानना पड़ेगा यार, आप इसके स्टोरी से हुक हो जाओगे। और इसका पूरा क्रेडिट इसके स्क्रीन प्ले को ही नहीं सिर्फ, लेकिन सभी एक्टर्स को भी जाता है। शुरुआत में आपको थोड़ी स्लो जरूर लगेगी, आपको नेगेटिव लगेगा इसका, लेकिन वो टाइम देना बहुत जरूरी था इसके आगे के इम्पैक्ट के लिए। माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ मॉडर्न टाइम्स और एक बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री आपको एंड तक बांध के रखेगी, क्योंकि सिर्फ 6 एपिसोड्स है, 40 मिनट्स ईच। कम एपिसोड्स की वजह से हमें इस सीजन के अंदर एक बेस तैयार होते हुए दिखता है, जिसकी वजह से इसका सीजन 2 भी आने वाला है। सीरीज एक कंप्लीट कॉकटेल की तरह है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसलिए मिस्ट्री बिल्डअप होती है, विजुअली भी स्टनिंग है और सुपर पावर्स को भी मिक्स किया है। बस एक बात का ध्यान रखना, अभी जो भी सीन स्क्रीन पर चल रहे हैं उससे आप इस एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि इसमें तो शुरू से ही सुपर नेचुरल पावर का यूज करके एक बैटल देखने मिलेगा। ये सीरीज धीरे धीरे करके आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी। इंग्लिश में डब की गई ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 3 की सीरीज तो एक एनिमेशन के बफे की तरह है। एक ही सीरीज में आपको पास्ट में लेके जाकर नॉस्टैल्जिक भी फीलिंग दिलाती है, और एनिमेशन का फ्यूचर कितना ब्राइट और स्ट्रांग है उसका भी एक जबरदस्त एग्जांपल हमारे सामने रखती है। सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं, लेकिन सोच से भी यूनिक 2019 की एनिमेशन एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट्स। सीरीज का 2 पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे पहला तो बस 5 से 15 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स और उसमें छुपा बहुत ही अच्छा ह्यूमन के लिए मैसेज। एनिमेशन की बुनियादी है बड़े बड़े लाइफ के लेसन बहुत ही इजी और सिंपल तरह से हमारे सामने रखती है। दूसरा है वैरायटी इन एनिमेशन। आप चाहे 80s, 90s, 2000 या कभी भी बॉर्न हुए हो, आपके टाइम का एनिमेशन स्टाइल इसके अंदर है। और अगर आप एनिमेशन का एवोल्यूशन देखना चाहते हो तो ये सीरीज परफेक्ट एग्जांपल है उसका। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, कुछ एपिसोड्स तो बस 5 मिनट के है, इतने हाई एक्सपेक्टेशन इसके एपिसोड सेट करते हैं और बस कुछ ही मिनटों में खत्म। अब इसे पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव आपके ऊपर है, लेकिन 18 एपिसोड्स 5 to 15 मिनट्स ईच हर एक एनिमेशन फैन के लिए ये मिनी सीरीज आपको इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच होती है इन वेब सीरीज पर, तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। नंबर 2 की सीरीज ने तो हॉरर को निचोड़ डाला है पूरा। ये अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको घंटा किसी से डर लगेगा, आपका दिमाग थक जाएगा हॉरर सीन से, लेकिन ये सीरीज थकने का नाम नहीं लेती। सीधे 9 सीजन AHS अमेरिकन हॉरर
हॉरर स्टोरी। सीरीज के 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला है एडिटिंग। इतनी शानदार शॉर्ट एंड टेरिफिक एडिटिंग है, कहीं पे भी आपको खींचे हुए सीन्स नहीं दिखेंगे, जिसके लिए डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है। हर 10 मिनट में कुछ नया ट्विस्ट देखने मिलता है। एक दौड़ती ट्रेन में कैसे खिड़की से हर 5-10 मिनट में नया लोकेशन देखने मिलता है, बस सीरीज में भी हर 5-10 मिनट में कुछ नया नया हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है यूनिक हॉरर सीन्स। अगर आप इस चैनल पर लंबे समय से हैं तो आप जानते होंगे हम हॉरर, ब्रूटल, वॉयलेंट ऐसी कई मूवीज वेब सीरीज देख चुके हैं, और इन सब के बाद अगर आपका दिमाग ये सवाल करता है कि अब हॉरर में नया क्या है, तो उसका आंसर है अमेरिकन हॉरर स्टोरी। बहुत ही ज्यादा घिनौने, डिस्टर्बिंग, वियर्ड, वॉयलेंट। आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, सच बता रहा हूँ, इसके विजुअल्स आपके दिमाग में घूमेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप। इसीलिए मेरी खास एडवाइस ले लो, प्लीज 1 या 2 एपिसोड ही हर दिन देखना। ज्यादा अगर देख लिया तो दिमाग में घुस जाएगी। इसी पर से इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका हॉरर मेरे दिमाग पर बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। 9 में से मैंने सिर्फ 2 ही सीजन देखे इसके, 13 एपिसोड्स हर एक सीजन, 40 मिनट्स ईच एपिसोड। अगर हर एपिसोड पे कुछ अलग अलग वैरायटी एंटोलॉजी स्टोरी होती तो शायद और भी मजा आता, लेकिन हर सीजन के बाद स्टोरी चेंज होती है। इन सब के बावजूद कहां से ये अजीबोगरीब दिखने वाले एक्टर्स लेकर आए हैं, और इनकी जबरदस्त एक्टिंग। लाइट बंद करके अगर आप देखोगे ना इसका कोई एपिसोड, ऐसा लगेगा कि भाई स्क्रीन में से ना घुस के बाहर आ जाइए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वुमन, इंडिया से ज्योति आमगे ने भी सीरीज के अंदर काम किया है। ये सीरीज हॉरर फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है ही, लेकिन अगर आपको मिस्ट्री पसंद है, स्टोरी की डेप्थ में जाना पसंद है, और हर 5-10 मिनट में ट्विस्ट एंड टर्न देखना पसंद है, तो AHS अपने 9 सीजन से आराम से आपके 2 से 3 महीने ले लेगी। कंप्लीट 9 सीजन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में मिल जाएंगे। नंबर 1 की सीरीज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, जिसने मेरे इंग्लिश के साथ मेरे कंटेंट को देखने का नजरिया सुधार दिया। ऐसी सीरीज देखने के बाद लाइफ टाइम इसका हैंगओवर आपके दिमाग पर रहेगा, 2005 की 5 सीजंस प्रिजन ब्रेक। सीरीज का 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला है स्क्रीन प्ले आपको पूरी तरह बांध के रखता है। शुरू से ही आप माइकल स्कोफील्ड के कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह अपने भाई को जेल से निकाल पाता है कि नहीं, और इस जेल के अंदर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करता है। हर एक एक्टर्स की एक्टिंग जस्टिफाइड और नेचुरल लगती है। जो लीड कैरेक्टर है माइकल स्कोफील्ड, आपके दिमाग में घुस जाएगा। मेरे दिमाग में तो माइकल स्कोफील्ड इतना घुस गया था, ग्रे कलर का फुल स्लीव टी शर्ट ले लिया था, पूरा दिन वही पहन के घूमने का, वो फेज, वो टाइम ही एकदम प्रिजन ब्रेक वाला था मेरे लिए। इसके बावजूद एक सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट, 5 सीजन में से 1 सीजन बहुत ज्यादा वीक है। वो कौन सा है बता दूंगा तो आप स्किप कर दोगे, आगे आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो एक पूरा सीजन डिसअपॉइंटिंग लगा है। लेकिन फर्स्ट सीजन देखने के बाद इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसके हर एपिसोड के बाद ट्विस्ट एंड टर्न, दिमाग यूज करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, इन सबका मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था। अगर आप में से किसी के पास मेमोरी इरेज करने की मशीन है, प्लीज मेरे प्रिजन ब्रेक की मेमोरी इरेज करो, मुझे फिर से एक्सपीरियंस करना है इसे। 10 से 20 एपिसोड्स हर एक सीजन, 40 मिनट्स ईच, ये कंप्लीट सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में मिल जाएगी। अगर आप वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो लाइक, डिसलाइक, कमेंट करके जरूर बताएं। WSBI की कंप्लीट सीरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम ID @abhi_review पे मिल जाएगी। इस छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखना बाकी है, इसीलिए बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम और कमेंट सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।